राजन यही उपदेश कहे सियाराम। हाँ राजन जाओ राजन, वो तो बुलत राज चलाओ राजन, प्रजा के हित के कार्य करो राजन, प्रजा के हित के कार्य करो राजन, सत्य ही विजय है राजन, सत्य ही विजय है कहे सियाराम। आज जाई सत्य ही विजय कहते हुए परमात्मा है तो तीनों के तीनों अंतर ध्यान होते कहे सियाराम। काचरे फूल बरसत है जाई चारों मुड़ा जय जयकार होते, राजा मुरत धज की जय हो, राजा मुरत धानी की जय हो कहे सियाराम। बेटा ताम्र धज की Bye.
पाराथन गो हरे हो मैया राम
Oh,
चौधरी तुझे कोई नहीं मार सकता, सुंदरी मैं तुझे मेरे जंगा में बैठाऊंगा, चौधरी मेरे जंगा में तुझे बैठाऊंगा। ये मैगासोर तुम्हारा अब काम का धड़ा भर चुका है। मैगासोर मैं तुम्हें बार बार उत्थान किया लेकिन तू नहीं माना। भस्मासुर ठीक है भस्मासुर, मैगासोर तू सावधान हो जा, मैगासोर सावधान हो जा। सुंदरी मुझे नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं रक्तबीज हूँ, मैं रक्तबीज हूँ, मैं रक्तबीज हूँ। तुम्हारा पाप में भरा भर चुका है रक्तबी, अब तुम्हारा मौत निश्चित है रक्तबी, तू सावधान हो जा। ओ बहन काली का करो मानावे नहीं माने काले 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 नहीं माने काले करो मानावे नहीं माने और अपने माने काले प्रणाम बहन दुर्गे, प्रणाम बहन दुर्गे, प्रणाम बहन दुर्गे। मुझे किस कारण याद किए हो बहन, किस कारण याद किए हो बहन काली के। ये रक्त बीज धरती में अत्याचार मचा रहा थी बहन, जिसी कारण मैं तुम्हें बुलाया हूँ बहन, जिस कारण तुझे मैं बुलाया हूँ। शरम नहीं माने काले काकरो मनावे, नहीं माने काले
काली ककरो मनावे नहीं माने राम वाले काले मार के मैं हा गया हूँ रे मैं वो दुर्गा वाला मैं वो दुर्गा वाला Thank you.
राम हो रामा रामा भजो कसिया राम हस्तिनापुर में कुंती नंदन के चारों मुड़ जय जयकार हुए थे कहे सियाराम राजा धर्मराज की जय हो राजा धर्मराज की जय हो राजा धर्मराज की जय हो कुंती नंदन की जय हो जय जयकार हस्तिनापुर में गूंजा थे कहे सियाराम आज दाई वही समय के बेरा में कहे सियाराम सुंदर जय के वही समय में बंदरी रहे तुम कहे सियाराम सुनो 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 कुंती नंदन धर्मराज पांचों भाई अनुज सहित राज्यसभा में विराजमान हो रहे हैं हो कहे सियाराम आज दाई वही समय के बेरा में कहे सियाराम आज पांचों पांडव है तो कैसे मजा के कहे सियाराम आज दाई सुंदर चारों मुड़ा जय जयकार हुआ थावे कहे सियाराम हस्तिनापुर की नगर है तुम जय जयकार गुंजा थावे दाई राजा मोर ध्वज की जय हो जामर सिंह कहे सियाराम आज सुंदर मजा के राजा के बारे में जय जयकार करते धर्मराज आज चारों मुड़ा में जय जयकार गुंजे थे मुरदाई हो धर्मराज के जय जयकार गुंजे थे कहे सियाराम धर्मराज के थे भाई हमर विचार है भाई 18 दिन के महाभारत में भगवान कृष्ण कन्हैया हमर हर पल हर समय में साथ दे हमला आगे बढ़ाए भाई मोर विचार है सियाराम भगवान कन्हैया के पास जाकर के आगे हम जानकारी कर लेते हैं मार्गदर्शन कर लेते हैं ये धरती में वीर है या नहीं है हमला कैसे मालूम पड़े हुई हमर मार्गदर्शन करे कहे सियाराम चपा चारो भाई कहते के भैया सुंदर बात बतावत हस भैया हाँ भैया ओकर कृपा से हम आगे बढ़े हैं भैया वही हमर हर समय में साथ देते कन्हैया भैया चलो भैया आपके कथन सत्य है कहे सियाराम तो आज समय दाई हो सुंदर राजा रहे तो कहे सियाराम आज धर्मराज है तो भगवान कन्हैया ला याद करते कन्हैया तोर दर्शन बरावत हन हरे तोर दर्शन के खातिर आवत हन कहे सियाराम ये कन्हैया अब बंसी के बजैया हरि तोला सुमरत हमारा अब तोरे दर्शन के ग खातिर आवा हो रामा श्रीमान पूजा ये वीरेंद्र भैया साहू आवे रामा और भैया के तरफ से 40 रुपया के द्रव्य रामा करते जाते भगवान कन्हैया है तुम गुहार सुनने वाले दम रे प्रकट होते कहे सियाराम जैसे प्रकट होते पांचों भाई देते कन्हैया प्रणाम स्वीकार करो हरे प्रणाम ल स्वीकार करो कहे सियाराम आयुष्मान भव कुंती नंदन आयुष्मान भव
पांचों पुत्र एक साथ धर्मराज, एक का बातें धर्मराज, पांचों भाई एक साथ चल पड़ा थस, का बातें कहां जा थस, कहे श्या राम। धर्मराज कहते कन्हैया ते तो यंतर्यामी इस कन्हैया, हर कण के निवास करने वाला इस परमात्मा, हर मानव के मन ला जानने वाला सहरी, आपसे कोई बात नहीं छिपेगी कन्हैया, लेकिन कन्हैया तोर दर्शन के खातिर आवत हन हरी सियाराम, तोर खातोर से सियाराम 18 दिन के महाभारत ला कन्हैया जीते हैं कन्हैया राम। कन्हैया जेकर कारण ये धरती में बीर है या नहीं है, हम लोग कौन सा रास्ता में चलना है, जेकर कारण तोर पास आ हो, कहे सिया राम। भगवान कन्हैया कहते भैया धर्मराज ऐसन बात है, भैया धर्मराज आप ला ये धरती में बीर है या नहीं है उला जानकारी करना है। भैया धर्मराज सिया राम एकर लिए तो हमला यज्ञ करे ला पड़ी। भैया धर्मराज हाँ भैया धर्मराज सिया राम और यज्ञ करके श्याम करना घोड़ा ला पूजा याचना करके चारों दिशा में घुमाए ला पड़ी चुनौती घोड़ा, जब है हमला पता चली कि ये धरती में वीर है या नहीं है, कहे सिया राम। धर्मराज कहते प्रभु बड़ा सुंदर रास्ता बताओ कन्हैया। हाँ हरे हाँ मनमोहन, चलो कन्हैया हस्तिनापुर वापस चलो, हरि यज्ञ तुरंत प्रारंभ करबो, कहे सिया राम। ये और धर्म गये राजे चारों भाई सहित रामा, और भगवान कन्हैया ला लेके वापस गा रामा। जो भाई हे दाई हो सियाराम, भगवान कन्हैया ला ऊंच आसन दे के बैठार थे, कहे सियाराम। और ऊंच आसन में बैठार के वही समय धर्मराज कहते ओ मंत्री यज्ञ की तैयारी किया जाए, श्याम करना घोड़ा सजा के राजसभा में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। बहुत अच्छा, कहे सियाराम। आज दाई वही समय सुंदर यज्ञ की तैयारी करत हवे, कहे सियाराम। और सीताराम सियावर राम, भैया ये भाई निहाल भाई के तरफ से कहो सियाराम, तेमन बहनी के तरफ से कहो सियाराम, आसरी बहन कहो सियाराम, और सोमन दादा कहो सियाराम, राम साय दादी कहे सियाराम, और सीताराम सियावर राम, भैया ये सब्जी वाला है भैया ये कुर्रा हिंचे के रहैया है कहो सिया राम, ये भैया के तरफ से परम पिता परमात्मा के चरण कमल में 50 रुपए के द्रव्य दान भेंट होए हवे, कहे सिया राम। जैसे भैया दान करे भगवान तुहर सदा कल्याण करे, कहे सिया राम। बता दो दाई में तुहर एक पैसा दान दे तो महतारी हो वो जस में लगते, हमारे गाँव में चंपारण में पारा में भगवान के मंदिर स्थापना करे हवन, कहे सिया राम। जहाँ भगवान संकट मोचन की स्थापना है दाई हो, तुहर दो गक पैसा दान आते मोर महतारी हो, वो बैठल नहीं जान देवन, कहे सिया राम। और सीताराम सियावर राम, आज दाई सुंदर यज्ञ की तैयारी करते पांचों भाई है तुम तन मन धन से, कहे सिया राम। अरे तीवु तारो प्रभु महिमा लगावो राम, अरे तीवु तारो हरि महिमा लगावो राम, ये विपत्ति बेरा राम, ये विपत्ति बेरा राम, yeah।
बंधन से पाचो पंड हेतुन पूजा याचना करे हवे कहे श्याराम। आज दाई कुंती नंदन हेतुन सुंदर मजा के तन मन धन से पूजा याचना करके कहे श्याराम। आज सुंदर घोड़ा के माथ में लिखा है दाई पांचो पांडव यश यज्ञ के घोड़ा कहे श्याराम। जो ने घोड़ा लपकड़ ही महातारी वो महारथी अर्जुन के साथ में युद्ध कर ही ऐसे घोड़ा के माथ में सैन बोट टांग के कहे श्याराम। भगवान कन्हैया कथे सखा अर्जुन ये घोड़ा के उत्तर दाई तो मैं तोला सोपत हूँ सखा अर्जुन कहे श्याराम। जो भी ये घोड़ा लपकड़े के साहस कर ही उला विजय फहरा के लड़के विजय फहरा के चारों दिशा ले घुमा के सुरक्षित आवे। जब है हमला पता चली कि ये धरती में वीर है या नहीं है कहे श्याराम। अर्जुन कहते कन्हैया का मोर प्रति तोला विश्वास नहीं कन्हैया का मोर गांडी धनुष में तुला विश्वास नहीं कन्हैया ते मुला विदा देहरी मैं चारों दिशा ले घुमा के सुरक्षित आ सकता हूँ कहे सियाराम। भगवान कन्हैया हंस मुस्का के कथे नहीं सका तोर प्रति तो मुला विश्वास है जेकर कारण तो मैं घोड़ा के उत्तर दायित्व तोला सौंपे हावो कहे सियाराम। काबर चुनौती घोड़ा ये श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुनस जेकर कारण जवाबदारी मैं तोला देवत हावो कहे सियाराम। जा सका घोड़ा ला ले जब बल पूर्वक चारों दिशा ले घुमा के वापस आ जेबे कहे सियाराम। अर्जुन कहते कन्हैया मुला विदा दे हरे मुला विदा दे कहे सियाराम। जाओ सखा मनोकामना आपकी सफल हो कहे सियाराम। आज मोर महतारी हो वही समय महारथी अर्जुन है तो नेट्यावत भुंजा कहे सियाराम। चारों भाई से मिल भेंट कर थे मोर महतारी हो चारों भाई से मिल भेंट करके कहे सियाराम। जाइए चुनौती घोड़ा लेकर के महारथी अर्जुन है तो पहले दिशा के मार्ग में निकल पड़ते कहे सियाराम। पहले दिशा जा रहे थे घोड़ा टप टिप 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 घोड़ा निकला जाते कहे सियाराम। ऐसे जो कि कोनो पीर नहीं है जो कि घोड़ा ला महारथी अर्जुन के पकड़े के दुनिया देखा थे दाई हो छोटे मोटे राजा तो प्रणाम करके घूत देवा थे कहे सियाराम। ऐसे महारथी अर्जुन है तो आज पहले दिशा ले घोड़ा पार कर थे मोर महतारी पहले दिशा से निकल करके दूसरा दिशा के मार्ग में चला थे कहे सियाराम। आज दूसरा दिशा से निकल थे मोर दाई हो तीसरा दिशा के चल पड़ा थे कहे सियाराम। तीन दिशा ले पार कर थे अर्जुन के घोड़ा अर्जुन है तो अभिमान घमंड होते मोर महतारी हो गए थे मुला ऐसे मालूम पड़ा थे कहे सियाराम। अब मुला ऐसे मालूम पड़ा थे कि धरती के बिना ये वीर के बिना धरती है वाह कन्हैया वाह कहे सियाराम। ये कन्हैया का तोरे महिमा के बखान करो केशोरा अब का तोरे महिमा बखान करो खाली दिखा।
वही समय दाई चौथा दिशा में महारथी अर्जुन के घोड़ा पहुंचे तो कौशलपुर के सियार में जाते कहे सियाराम। जैसे कौशलपुर के सियार में महारथी अर्जुन के घोड़ा पहुंचते तो चारों दिशा में जय जयकार होते, कहा होते कि राजा मोरा धद्दा ने की जय हो, राजा मोरा धद्दा ने की जय हो, रानी पिंगला बते की जय हो, राजा मोरा धद्दा ने की जय हो, जय जयकार गुंजत कहे सियाराम। आज दाई वही समय के बेरा में राजा मोरा धजरानी पिंगलावती कहे सियाराम। राज समय में विराजमान हो पर पहुंचते वही समय शुरू में धरती माता के वंदना करते का चंदन नहीं मोरे देश के माटी राम 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 राम। सही बात है मोरदाई हो, ये धरती चंदन है मैं और महतारी राम, यही धरती में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मनुज सहित अवतार ले खेले खाए सियाराम, यही धरती में भगवान कन्हैया है तो खेले खाए सियाराम, ये धरती चंदन है मोर महतारी राम, चंदन नहीं और तीरथ बरोबर तोहर गाँव है राम, और यहाँ के बहनी मान सीता बरोबर भैया मनहा संगी साथी ले खेल की सुंदर दौड़ता थे मावो माँ 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 जिसे माँ सुनते वाद बेटा मोरी आंखों के तारा प्राण की धारा बेटा ताम्रध्वज कैसी बात है बेटा का बात है कैसी दौड़ता वधस बता लाला बता कहे सियाराम। माँ मैं राजभवन के महल अंदर रहे रहे मोर मन अस्कटा गे मैया राम, मैं जंगल में भ्रमण कर लेती हूँ मैया राम, जंगल में शिकार खेल की आ जाती हूँ दाई राम, यही मोरी आशा है मैया यही मोर आशा है कहे सियाराम। का ते कैसे बताते सिल्लाला ते मोरी आँखों के टुकड़ा कलेजा के टुकड़ा प्राण के अधारा यसे बेटा ते छोटे सी लाला हसी लाला राम, जंगल में अनेक प्रकार के जानवर जिनावर मिलते बेटा ते जाए के योग्य नहीं है सी लाला ते जाए के योग्य नहीं है से बेटा कहे सियाराम। माँ ते कैसे बता थे सिदाई मैं कब जाऊँ मैया मोर आशा है मैया राम, जंगल में भ्रमण कर लेती हूँ मैया राम, जंगल में शिकार खेल के आ जाते हैं दाई ये मुरासल अब पूरा कर दे कहे सियाराम। राजगत बेटा ते हमारी एक जन आँखों के तारा यस लाला प्राण की अधारा यस बेटा राम, तोर हर मनो इच्छा ला पूरा करे के उत्तर दाई तो माँ बाप के बन थे बेटा, लेकिन लाला ते छोटे से बालक हस बेटा एक अकेले जाए के योग्य नहीं है सियाराम, एकले बेटा तू जाना है तो व्यवस्था कर दे तो कहे सियाराम। राजा कहते ओ मंत्री जो आज्ञा महाराज, ये बेटा ताम्रध्वज की इच्छा है जंगल में भ्रमण करे के शिकार खेले के इच्छा है तो ओला सुंदर भ्रमण करा ले बे शिकार खिला ले बे जी कर बाद में सुंदर शाम तक वापस घर ला ले बे कहे सियाराम। जो आज्ञा महाराज बहुत अच्छा कहे सियाराम। आज ताई वही समय के बेरा में कहे सियाराम। ताम्रध्वज लेकर के जंगल की मार्ग निकलते कहे सियाराम। आज ताई सुंदर जंगल की मार्ग जाते वही समय पहाड़ पर्वत दिखाते कहे सियाराम। राजकुमार सुनत है जी
यदि बहुत बड़े घना घोर जंगल भैया और यदि दहन पर मूर्ति दहन जाते ना वो दी चंपा चमेली के फूल है, अनेक प्रकार के फूल है, तो एक कदर दिशा में घूमना है तेला बता दे कहे सियाराम। तो हमरे दिल के थे वो मंत्री मुड़ा चारों मुड़ा ले घूमना है और शिकार भी खेलना है कहे सियाराम। ऐसे तक चलो कोई बात नहीं कहे सियाराम। सीताराम सियावर राम रामा भजो रामा भजो रामा भजो सियाराम। ये तो जाते हो ये घोड़ा में कुछ माथ में सैंड बोर्ड ऐसे मालूम पड़ते। चल तो देखते चल तो का बातें कहे सियाराम। जाके देखती या ये तो पांचों पांडव यज्ञ के घोड़ा है सियाराम। हो जो ने घोड़ा लपकर ही वीर अर्जुन के साथ में युद्ध करल पड़ी। या मंत्री ये हमर राज में ये हमला चुनौती दे लाया है का ये घोड़ा ला बंदी नहीं बनाना है। नहीं एक घोड़ा ला बंदी बना के राज्यसभा में पेश करना है। चलो घोड़ा ला पकड़बो कहे सियाराम। सुन तो सुन ए राजकुमार ऐसा घोड़ा में मुझे डर लागते भैया देखो तो भन्ना के देखा थे गा। हो एक समय में देखे रहे भैया घोड़ा ला से पकड़े के प्रयास में बहुत बहुत प्रयास करे हो करे तो हम पकड़े के लेकिन पकड़े इस घलो लेकिन एक ठन मोर नुकसान हो इसकी से ये तो देखा था सिने घड़ा रावण वर दो ठन झर के साथ कहे सियाराम। राजमार्ग कोई बात नहीं चलते मोर पीछे मेरे बे और मैं पकड़े के प्रयास करूं कहे सियाराम। राम सियाराम अलग सियाराम राम सियाराम अलग सियाराम कहे सियाराम। यदि तो पकड़ के वो अर्जुन थैया अरे रुक जाओ जे अरे घोड़ा के पकड़िया भैया खड़ा हो जाओ बाबू खड़ा हो जाओ रुक जाओ कहे सियाराम। और सीताराम सियावर राम रुक जाओ भैया खड़ा हो जाओ जी खड़ा हो जाओ कहे सियाराम। कामरथ ज्योति कथे मंत्री मुला ऐसे मालूम पड़ा थे कोई आवाज करत इसे लाग थे तो ऐसे कर ते घोड़ा ला पकड़ के रखे रा और मैं आवत हूँ बोला पता लगा के कहे सियाराम। ठीक है राजकुमार मैं घोड़ा ला धरे हूँ और ते पता लगा ले कहे सियाराम। ताम्र ध्वज के थे जाते ओ राजा साहेब कैसे का करण याद चिल्लावत हस
का बात है, काबर चिल्लाए के का कारण है, कहे सियाराम। अर्जुन कहते अरे बाबू ते जोन घोड़ा ला पकड़े है ना सियाराम, वो घोड़ा है तो चुनौती घोड़ा है बाबू। हाँ सियाराम, वो चुनौती घोड़ा हैगा, बड़े बड़े सूरवीर राजा मन घोड़ा ला पकड़ थे बेटा राम, अब ये छोटे मोटे लोग लेकर के बस की बात न है बेटा, ये घोड़ा है तो चुनौती वाला घोड़ा है सियाराम, वो घोड़ा ला छोड़ दे, और छोटे लड़का मन हा माता पिता के गोद में शोभा आते बेटा, युद्ध में शोभा नहीं आए लाला, कहे सियाराम। क्या मतलब सकते हो ऐसा घोड़ा तो मोर रात दरबार में अनेक पड़े है, मुला घोड़ा के लालच नहीं है सियाराम, लेकिन तोर घोड़ा के माथ में सेंट टांगे हस, वो मोर राज में चुनौती देला है, जिगर कारण घोड़ा ला मैं पकड़े हूँ, अगर घोड़ा छोड़ाना है तो मोर साथ नहीं तो घोड़ा छोड़ के वापस, कहे सियाराम। अर्जुन बतिया देखी सियाराम, ये दुनिया का आदमी का कही देख तो देख, ये अर्जुन ला तो देख, कुंती नंदन ला सियाराम, ये छोटे से लेका के साथ में रण में उतर के संसार मन दुनिया बदनाम दी। अरे बाबू ते नहीं जानस सियाराम, एकर बारे में तुला मालूम नहीं बेटा, ते नहीं जानस लाला घोड़ा ला छोड़ दे, कहे सियाराम। घोड़ा छोड़ाना है तो मोर साथ युद्ध कर, नहीं तो घोड़ा छोड़ के वापस, कहे सियाराम। ये बात अर्जुन सुनते ही अब बिना मारे बैरी रे तोला नहीं तो गा छोड़ा, बारे बारे समझाए हाँ बरगे बाते तो नहीं माने सियाराम, एक पाने में हम पूरे महारथी अर्जुन ही तो घायल हो गए सियाराम, आज मुस्की बंधन में बंध गए महारथी अर्जुन का थे ये कन्हैया, कैसे तोर महिमा है हरि, आज मैं छोटे से बालक के साथ में रण में हारे कन्हैया, आज मैं संसार में कैसे चेहरा ला दिखाऊं परमात्मा, मैं संसार में कैसे चेहरा ला दिखाऊं हरे, कहे सियाराम। अगर जौजर में हारते तो कोई श्रम की बात नहीं कन्हैया, लेकिन आज मैं छोटे से बालक के साथ में हारे हूँ कन्हैया, ये धरती में मैं कैसे चलूं हरे, मैं संसार में कैसे चेहरा ला दिखाऊं, कहे सियाराम। ये कन्हैया मनमोहना मुरली वाला नन के लाला छोटे से बालक के साथ मेरा Yeah.
माता की प्रणाम करती, प्रणाम पिताजी माताजी आयुष्मान भवपुत्र हरे राम 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 थामरथ ध्वज ते का कटरे बेटा, ये महारथी जैसे वीरला आते बंदी बना के गले गले घुमा दे बेटा, जल्दी से बंधन खोल ताम्रध, जल्दी से बंधन खोल लला कहे सियाराम। हाज हाथ बंधन खोलते रानी राजा हाथ जोड़ के माफी मांगते कहे महारथी बेटा से बहुत बड़े गलती होगी, महारथी अनजाने में बेटा से बहुत बड़े गलती होगी, तुला बंदी बना के गली गली घुमा दिस महारथी। वो हाथ जोड़ के माफी मांगत हन वो भी कमी है महारथी, लेकिन महारथी बेटा अनजान ही अनबुद्धि है महारथी, बेटा के गलती में ध्यान मत दो कहे सियाराम। उठो राजन उठो राजन उठो राजन, इमे तोर बेटा के तनिक गलती नहीं है राजन, ये तो मोर किस्मत की खोटा है राजन, ये मोर किस्मत की खड़िया है राजन, जो कि हर समय बड़े बड़े राजा के साथ में वीर में विजय पाहो कहे सियाराम। लेकिन आज तोर छोटे से बालक के साथ में रण में हार गए, मोर जिंदगी तो धिक्कार है राजन, मोर जिंदगी धिक्कार है राजन, मोर जिंदगी धिक्कार है कहे सियाराम। राजा मर धजगते नहीं महारथी, ये तो समय होवत बलवान है महारथी, समय होवत बलवान है, समय कोनो लो बता के नहीं आए कहे सियाराम। जौन भी होवत है अच्छा होवत है महारथी, जौन भी हो ही अच्छा हो ही कहे सियाराम। वो मालिक के लीला ये महारथी, मालिक के लीला मालिक ही जाने कहे सियाराम। हाँ महारथी चलो महारथी, लाज संकोच के नहीं ये महारथी, आप आओ आसन में विराजमान हो कहे सियाराम। वही समय ऊंचा आसन दे के महारथी आसन में बैठारथे कहे सियाराम। राजा कहते बेटा ताम्रध ते जानथस लला, ये कौन महारथी कौन सूरवीर रे, इला जानथस नहीं जानथस लला, रात दिन हम भगवान कन्हैया के याद करथन लला राम, पर भी हमला दर्शन दुर्लभ है लाला। हाँ बेटा राम, लेकिन ये महारथी अर्जुन ओकर रथला भगवान कन्हैया सारथी बन के चला थे बेटा, सारथी बन के कहे सियाराम। हर पल हर समय हर क्षण में भगवान के साथ रथे महारथी अर्जुन के साथ में भगवान कन्हैया कहे सियाराम। जोन वो महारथी धंजय है बेटा, तोर से बहुत बड़े गलती हो गए लाला कहे सियाराम। आज ताई रानी राजा बेटा ताम्रध्वज सुंदर समझा है कहे सियाराम। अब दोनों ये राजा वो जाऊं जरे ताईरा, अब आपस में वो बैठ के रामा, अब घर परिवार ये चर चल मैया राम, अब कैसे मजा के गोठी पावे बात में कहे सियाराम। महारथी अर्जुन कहे राजन अब मुलतनी के विलंब मत करवा राजन, मुला घर जाए के लिए विदा दे राजन, घर जाए के लिए विदा दे कहे सियाराम। राजा कहे महारथी आपके आयले कौशलपुर नगर धन्य हो गए, महारथी पवित्र हो गए कहे सियाराम। आप आह तो बड़ा आनंद ही आनंद लगती महारथी, दो चार दिन और रुक जाते तो बड़ा आनंद ही आनंद, समय भूलकत है कहे सियाराम। अर्जुन कहे नहीं राजन नहीं राजन, तनिक अब मुला विलम्ब ना करवा राजन, मुला घर जाए के लिए विदा दे राजन, घर जाए के लिए विदा दे कहे सियाराम। आज ताई रानी राजा है हाथ जोड़ के सुंदर प्रार्थना करते कहे सियाराम। अर्जुन कहे जाओ राजन
सत्य ही विजय है राजन, वत बुलत राज चलाओ, प्रजा के हित के कार्य करो, कहे सियाराम। आज ताई वही समय राजा मुरध्वज, रानी पिंगलावती बेटा ताम्रध्वज, कहे सियाराम। आज वहां से महारथी अर्जुन विदा लेकर के निकल थे, दाई वही समय के बेरा में, कहे सियाराम। जैसे कौशलपुर ले निकल थे रामा, राम राम राम, तो महारथी अर्जुन कहते वाह कन्हैया वाह छलिया, तोर नाम छलिया है कन्हैया, आते साबुत करके रख दे कन्हैया, कहे सियाराम। अरे मैं जौजर में हारते तो कोई शर्म के बात नहीं सियाराम, लेकिन आज मैं छोटे से बालक के साथ में रह रहे हूँ कन्हैया, ये तोरे चाल है कन्हैया, ये तोरे छलिया, ये तोरे चाल है कन्हैया, कहे सियाराम। आज कन्हैया ले याद करते करते महारथी अर्जुन कहते वाह कन्हैया, ना मैं घर के हो ना घाट के कन्हैया, मैं संसार में कैसे चेहरा ला दिखाऊं हरे, मैं संसार में कैसे चेहरा ला दिखाऊं, कहे सियाराम। ऐसे याद करत करत भगवान की याद करत चलते, वही समय भगवान प्रकट होते, प्रभु प्रणाम स्वीकार करो, आयुष्मान भव, महारथी अर्जुन उठो उठो अर्जुन, आपके चेहरा उदास दिखे अर्जुन, ऐसे का बातें सखा जेकर कारण उदास चेहरा दिखा थे, कहे सियाराम। अर्जुन कहते कन्हैया आपके बताए अनुसार से श्याम कर्ण घोड़ा ला मैं तीन दिशा ले बलपूर्वक पार कर चुके हूँ, कहे सियाराम। चौथा दिशा में कौशलपुर के सियार में जाते राजा मोरध्वज के बेटा ताम्रध्वज, घोड़ा ला बंदी बना लिस कन्हैया राम, बार बार बोली कल समझाए बालक ल समझाए, लेकिन मालिश कन्हैया राम, आखिर में मुले युद्ध में उतरे लपड़ के कन्हैया, लेकिन कन्हैया ये छोटे से बालक के साथ में रण में मैं हार गया कन्हैया, मैं संसार में नहीं जीना चाहता हूँ, अरे मैं संसार में मोर चेहरा ला नहीं दिखाना चाहता हूँ कन्हैया, मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया कन्हैया, लेकिन संसार में नहीं जीते हम कन्हैया, संसार में नहीं चलते नहीं दिखते हम, कहे सियाराम। सखा अर्जुन एक तोर जैसे अनेक मोर भक्त है, अर्जुन महान दानी महान सत्यवादी है, कहे सियाराम। हाँ सखा अर्जुन और सत्यवादी दानी के पुत्र राजा मुरध्वज, सत्यवादी दानी जेकर पुत्र ताम्रध्वज, तेकर कारण से तिहारे है अर्जुन, ते तो एक जन है अर्जुन, तोर जैसे अगर 50 भी अर्जुन आबे ना तो ताम्रध्वज के साथ में नहीं टिक पास, अर्जुन सत्यवादी दानी के पुत्र है, कहे सियाराम। अर्जुन का देख कन्हैया सत्यवादी दानी, सत्यवादी दानी, सत्यवादी दानी, यही बात बोला था कन्हैया, यही बात बोला था कन्हैया, वो कैसन दानी है कन्हैया, कैसन सत्यवादी है हरे, आज मोर छाती में अग्नि जलाती है कन्हैया, ते ऐसन दानी है प्रभु, तो परीक्षा लेके दिखा दे कन्हैया, जबे मोर छाती है जुड़ाई कन्हैया, जबे मोर छाती जुड़ाई, कहे सियाराम। सखा अर्जुन संसार में मोर अनेक भक्त है, महान दानी महान सत्यवादी, मोर भक्त के प्रति में तोला विश्वास नहीं है, तो ठीक है सखा अर्जुन मैं तोला परीक्षा लेके ही दिखावत हूँ, कहे सियाराम। आज दाई वही समय के बेरा में महारथी अर्जुन है तुम, कहे सियाराम। आज अब यमराज भगवान ला सुंदर याद करते, यमराज चले आजा, यमराज चले आजा, कहे सियाराम। चले आबे चले आबे राम, हाँ यमराज चले आजा, यमराज चले आजा, ये रामा चले आबे चले आबे राम, और चले आजा यमराज, मोरे वाहन तोर वाहन सवारी में चढ़ के यमराज चले आजा राम, तोरे वाहन सवारी में चढ़ के यमराज चले आजा राम, चले आवे 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 चले आव
सेवकला का करण याद करे सरे आज्ञा दे परमात्मा आज्ञा दे कहे श्याराम श्याराम यमराज तुले एकर कारण याद करे यमराज ए सखा अर्जुन है ना मोर भक्त के प्रति मेला विश्वास नी जिकर करण तुला में बला हूँ काबर ए रूप में जाबो तो हमला परीक्षा भिक्षा नहीं मिली जिकर ले यमराज ते बन जबे शेर और अर्जुन दोनों बनबो हम साधु कौशलपुर नगर में राजा मुरध्वज के राज में जाके हमला भिक्षा लेना है कहे श्याराम यमराज के थे प्रभु धन्य है हरि आपके लीला में मोला अवसर दे प्रभु चलो परमात्मा चलो हरि चलो कहे श्याराम आज दाइये तीनों मूर्ति है तो सुंदर मजे के कौशलपुर के प्रस्थान करते कहे श्याराम और सीताराम सियावर राम चलो मोर महातारी हो हमन छत्तीसगढ़िया अढ़ा किसान के बेटी बेटा अवन कहे श्याराम दाइये परंपरा ला जागरूक रखे ला पढ़ी कहे श्याराम लेकिन मुश्किल जाते मोर महातारी हो काबर अब तो संसार में सुविधा हो गए श्याराम अब के बेटा मल्ला अगर कभी बेटा जल्दी उठ जाते रे मुही पार सुखाल रहते जल्दी बांध देवे बेटा कभी न सियाराम राहना बाबू अभी तो सिंदा लागे थे कन सुतत हो ते का करो धसका कन ही चल देना ये बोलने वाला है दाई हो हमर समय में री तो बाप अगर बोले लाल आंखी दिखाए तो खड़े खड़े रोयला पड़े समय बहुत परिवर्तन हो थे मोर महतारी हो समय बहुत परिवर्तन हुआ थे कहे सियाराम अब ये संभलना मुश्किल है सियाराम ये संभलना मुश्किल दिखाते प्रत्यक्ष प्रमाण बतावा थे कहे सियाराम जैसे होई अच्छा होई वो मालिक की कृपा है कहे सियाराम चलो आवन सियाराम तो वही परंपरा ला जागरूक रखे बर काक थे धर ले झौहागा कुदारी जी किसान हाँ सियाराम धर ले झौहागा कुदारी जी किसान तरफ से सुंदर मजे के भगवान के चरण में 50 रुपए के द्रव्य दान भेंट कर से सियार अब हमारे किसान भाई मंडी पर के माटी ल खन खन के कैसे रखता हावे हो सियार राधे श्याम यादव भैया मंडी के अध्यक्ष आवे वो कर द्वारा से 100 रुपया भगवान के चरण कमल में भेंट करी सहावे हो सियार और जैसे भैया हो दान करे भगवान तुम्हार सदा कल्याण करे हो सियार किसान भाई मन सुंदर खेत ल बनाते उसने आप मन के सामने कहे सियाराम सुंदर खन के माटी ल कैसे झौहा में माटी ल जोड़ के बोहावे सियाराम सुना था सो बुझ गही बने मेड़ में बने साज में वो बरसात में बड़ा तकलीफ होते पानी मन मारे सो गिरे देखा था नहीं वो मुही पार के तो ठिकाने नहीं है एक कमाई हो दल थे हो तो बने पेड़ मेल ला साजे रबे तब पानी रुक थे ऐसे कही के सुंदर माटी ला जोर के बोहावा सियाराम राम पटेल के तरफ से कहूं सियाराम सॉरी भाई तुकाराम पटेल के तरफ से परमपिता परमात्मा के शरण कमल में 50 रुपए के द्रव्य दान भेंट हुई जिसे दान करे भैया भगवान तो सदा कल्याण करे
जय श्याम। लोकेश्वर भाई के तरफ से परम पिता परमात्मा के चरण कमल में स्वरूप के दर्पण बैठ हुई तो श्रद्धा भक्ति की जाए, कुटुम्ब परिवार की जाए, आज की आनंद की जाए। और हमने आवन छत्तीसगढ़ी हगा भैया राम, करता हूँ खेती किसानी हो राम। हाउ हमने आवन छत्तीसगढ़ी है वो दीदी राम, करता हूँ खेती किसानी हो के सुंदर मजे के बैला ला भुलवार चुचकार के फांथे कहे सियाराम। और भुलवार चुचकार के सुंदर नांग बैला सियाराम, नांगल कैसे चलाते कहे सियाराम। भैया जय श्रीमान तुकाराम पटेल ग्राम विकास समिति अध्यक्ष है कहो सियाराम। जेकर द्वारा 50 रुपए के सब प्रेम भेंट हुए हवे कहे सियाराम। भैया दान करे भगवान तुम सदा कल्याण करे कहे सियाराम। भैया श्रीमान व्यास यादव के तरफ से 50 रुपए के सब प्रेम भेंट हुए कहे सियाराम। जैसे भैया दान करे भगवान तुम सदा कल्याण करे कहे सियाराम। और सीताराम सियावरी राम महेश कुमार साहू जी कवर की ओर से 20 रुपया के संप्रेम भेंट। ज्ञामिक राम सिन्हा के द्वारा 20 रुपये के सादर संप्रेम भेंट। और साथ ही साथ भूमिया साहू पिता छगन साहू की ओर से 25 रुपया। मुकेश कुमार के द्वारा 20 रुपये के श्रद्धा सुमन सादर संप्रेषित भेंट करे गए हैं। बोल उनकी जीवन भक्ति की जय, उनके कुल परिवार की जय। साथ ही साथ उपासना भाई सीताराम श्यावरी राम जय जय सीता। आलोक सिंह की ओर से 20 रुपये के श्रद्धा सुमन। साथ ही साथ अर्जुन यादव की ओर से 20 रुपये के श्रद्धा सुमन सादर संप्रेषित भेंट करे गए हैं। बोल उनकी जीवन भक्ति की जय। सीताराम श्यावरी राम जय सीताराम। और किसान का वो भाई रामा बैला लाओ फांद के हो राम। और कैसे गा मजा के रामा बैला ला रेंगाओ दिल लगा चला बे भुलवार चुरा के तो चलते कहे सियाराम। अवरा वरा ता 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 किसाने का भाई राम। औ पहला लागा कैसे रामा खेदन जब लागे हक खा के बैला तीसरे लाख थे। ये बैला के मारे घलोक में हक खाल धर ले हूं। अब ये बासी वाली क्यों जल्दी आवे वो कुर्रू में नांगल लो फांदे हूं ऐसे। लेकिन कौन जानिए कदे का रेट के आत ले तब तुर मजल बताओ। ये भाई मन के सब जन की विधि सियाराम। अगर बैला पदोइस अगर बैला पदोइस ते बहनी मंदार रीस आ उतर थे में सब के दिठो रवैया लग कहे सियाराम। हमरा में करियो उसने कहा देखा बैला पदो थे बोला और बासी वाली ऊपर नहीं जा रहे थे राह ले बासी वाली आ ले तुर मजा ला बता हूं कहे सियाराम। जय सियाराम। कितनी बासी वाली कहते देखे वो हमरे दोड़ी ने देखे का दई। अरे मैं पूछत पूछत खोजत खोजत आवत हो बहनी करगा में फांदरी से नांगर ल वो मैं अपन खोजत खोजत पूछत 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 आवत देखे हो मन करिया ला वो हो एक ठन लाली है अब एक ठन सादा है कहे सियाराम। कैदी करी नांगरीला ते फांदे हावसे हो यग यग जोड़े I'm
घर गले निकले तो कुरूम फांदू नांगल का नहीं बताते सो हो मैं पूछा पूछा खोजा खोजा मोरा हाथ लागे जोड़ी मोरा हाथ घर घड़ो पिरा के तैसे लगते ये जल्दी खा ले मैं लेकर परोसी कर छोड़ गया हो जल्दी खाता मैं जाऊं कहे सियाराम नगरिया कहते सुन तो सुन आज के बहनी मन ना आज के बहनी मन हाँ जेन से कमी नहीं है बहनी मन एक कदम आगे बढ़ा थे तो ऐसे करना मोर बासी खा ले अरे दूभा मरता है वो जल्दी जो दादी था जाबो संगे में चल रहे वो हो ले जल्दी रेगा मल अब मैं एक टंग जल्दी दुकान और बासी ले खा ले थो कहे सियाराम चार दई तो हो नीचे टस पाइलो कर मन कोई नांगर जो थी हो नहीं अरे जो थे ते तो रेंग आगे देख कैसे नहीं रेंगे बैला अच्छा रेंग थे कहे सियाराम ले कोई बात नहीं रेंगावा थो कहे सियाराम जोड़ी बने हैं वो बने हैं कहे सियाराम छटारा मारते बहुत होशियार है कहे सियाराम चल चल अरे ओरे 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 हां चल त त त त त चल यो ए जोड़ी तोरे पल्ला ए मरखंडा मोला मार दीरा हां जोड़ी राम सुनत जोड़ी तोरे पैला है मरखंडा मोला मारे दीरा अब सुना था जा हो मोरा जोड़ी ना हो कौशलपुर में चारों मुड़ा जय जयकार गुंजत है कहे सियाराम वही समय सियाराम सुंदर मजा के कौशलपुर नगर में कहे सियाराम साधु पोक्ष से भिक्षा में देही 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 ऐसे कौशलपुर नगर मेरी सीमोनी साधु चलत है कहे सियाराम कौशल के पुर की नारी पर दिखे दाई ऐसा साधु कभू नहीं देखे रे दाई ऐसा साधु साथ में शेर लेके कहे सियाराम कौशलपुर की नगरवासी है दोनों मड़ पड़ी साधु महात्मा के रूप ल देखते देखत कहे सियाराम भिक्षा में दे भिक्षा में दे थी वही समय द्वारपाल है तो थी द्वारपाल जाओ द्वारपाल तुम्हारे राजा को हमारे आने का समाचार बता दो हमारे साथ में एक शेर है हम दो ऋषि हैं जाओ द्वारपाल जाओ तुम्हारे राजा को बता दो कहे सियाराम जो आज्ञा मुनियार जो आज्ञा कहे सियाराम महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज आपके अंगना में महाराज दो ऋषिया है महाराज साथ में एक शेर है महाराज आप ले याद करे है कहे सियाराम राजा कहते का द्वारपाल हमारे राज में दो ऋषि मुनि और साथ में शेर ये तो बहुत शुभ समाचार चलो द्वारपाल जल्दी ले वालाते हैं चलो कहे सियाराम रानी का राजा ये अखंड सौभाग्यवती भव कहे सियाराम
मानी राजा गथे मुनिवर एक कौशलपुर नगर में आप स्वागत है रिसीवर स्वागत है कहे सियाराम स्वागत है रामा स्वागत है रामा और स्वागत है मुनिवर कौशलपुर नगर में साधु महात्मा के स्वागत है राम कौशलपुर नगर मेरे ऋषि मुनि के स्वागत है राम स्वागत से बैठा रहे कहे सियाराम राजा कथे रानी बहुत दिन के बाद में हमर आंगन में ऋषि मुनिया है रानी कहे सियाराम जाओ रानी गंगा जल लेके आरती साज के तुरंत ला ले वो कहे सियाराम जो आज्ञा स्वामी कहे सियाराम आज राज माता है सुंदर मजा की तैयारी करते कहे सियाराम आज ताई सुंदर रानी राजा है तुम तन मन धन से ऋषि मुनि के किसे मजा के कहे सियाराम आज वही समय के बेरा में कहे सियाराम आज सुंदर राजा मुरध्वज रानी पिंगलावती रामा तन मन धन से आरती साज के गंगा जल लेकर के ऋषि मुनि के चरण में सुंदर पहुंचते कहे सियाराम रानी और राजा हो रामा गंगा जल लेके हो राम चरणा वो धो के दायरा चरणा मृत समय बहुत हो चुके रानी न जाने ऋषि मुनि कम समय के प्रसाद पाव जा रानी ऋषि मुनि के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर दे कहे सियाराम जो आज्ञा स्वामी कहे सियाराम आज ताई हो राज माता रसोई खोली के और प्रस्थान करते कहे सियाराम राजा मुरद धात जोड़ के गथे मुनिवर मैं आप मन के काज सेवा करो मुनिवर आप मन के काज सेवा करो कहे सियाराम सुनो साधु कथे राजन तोरे नाम यश कीर्ति ल सुने है राजन राजा मुरद धद्दानी है राजा मुरद धद्दानी है राजा मुरद धद्दानी है कहे सियाराम हाँ राजन तोर नाम दानी सुने है राजन जिकर करन तोरी अंगना में आ राजन तोर द्वार में आ हंड कहे सियाराम
राजा के थी मुनिवर कौशलपुर नगर में जोन भी ऋषि मुनि साधु महात्मा या थे ना मुनिवर बोल मन इच्छा फल मिले है मुनिवर आप मन आदेश दो मुनिवर मैं आपके का सेवल रखो कहे सियाराम साधु महात्मा कथे राजन तोरे जैसे हजार राजा मिली से राजन हाँ राजन तोर जैसे हजार राजा मिली लेकिन अभी तक हमर मांगला पूरा नहीं हो पैसे राजन जेकर सिद्धि हमला विश्वास नहीं है कहे सियाराम जेकर कारण हमला विश्वास नहीं है राजन जब तक ते वचन नहीं देवे राजन तब तक हमला विश्वास नहीं है कहे सियाराम जगते मुनिवर ये कौशलपुर में जोन बेरी से मुनि साधु महात्मा थे सबके मन इच्छा फल मिल थे मुनिवर आप मन लगे राजा के प्रति में विश्वास नहीं है मुनिवर तो ठीक है ऋषिवर मैं गंगा जल के मुनिवर हाँ मुनिवर मैं गंगा जल की वचन देतो मुनिवर आप मन जोन भी वचन मांगो ये राजा मुरध देवर तत्पर ये तैयार है कहे सियाराम अब आदेश दो मुनिवर मैं आपके का सेवल रखो कहे सियाराम साधु कथे राजन सुन राजन हमारे साथ में ये शेर है ना बोला छह महीना हो गए कोनो कर अन्न मिले न कोनो कर पानी मिले है राजन ये शेर ला लरम लरम कोमल कोमल हाँ राजन ये शेर पर लरम लरम कोमल कोमल मांस के जरूरत है राजन आप आपके सुकुमार छोटे से बालक ही ना वो बालक ला दो भाग बना के शेर के भूखा तृष्णा ला मिटा दो और दूसरा भागला सब्जी बना के हम दोनों साधु ला खिला दो यही हमर मांग है राजन यही हमर मांग है कहे सियाराम जगते मुनिवर आप बन कैसे बता दो ऋषिवर आप बन कैसे गुठिया दो मुनिवर राज पाठ धन दौलत सब कुछ आपके चरणों में अर्पित हो सकते मुनिवर मुनिवर मांस के बात बोल दो मुनिवर तो आपके शेर बहुत बड़ा भारी है मुनिवर छोटे से सुकुमार बालक के मांस में आपके शेर के भूखा तृष्णा नहीं मिट पाई मुनिवर मुनिवर ये राजा मोरधजला आदेश दो मुनिवर ये राजा मोरधज अपन सरल धल अलग करके आपके शेर के भूखा तृष्णा ने मिटा दी लेकिन मुनिवर बालक के ऊपर कृपा करो मुनिवर बालक के ऊपर दया करो कहे सियाराम सीताराम सियावर राम साधु कथे राजे आप पुत्र मुँह में हो के हमर वचन निथ्या करना चाहते कोई बात नहीं राजन आपकी राज से खाली हाथ भूखा चला जाता है कहे सियाराम प्रतियोगिता टाइम विराम लेकिन आपका कथा प्रसंग जारी रहेगा और हमारे ग्रामीण हमारे ग्राम के स्थानीय मंडली भाई राकेश भास्कर और ताम सिंह ध्रुव कैलाश यादव होरीलाल साहू लक्ष्मण सेन पितेश टंडन शिव प्रसाद जी साहू आप सभी से सादर निवेदन है कि आप अपना टोली तैयार करके रखिएगा जी हाँ हमारे ग्राम के स्थानीय टोली से सादर निवेदन है अपना टोली तैयार करके रखिएगा धन्यवाद धन्यवाद आज वही समय के बीर में राजा ही तन सोच लिपड़ गई सियाराम आज साधु महात्मा कहते ठीक है राजन मत दो राजन आपकी गनाज से खाली यहाँ तो भूखा चला जाता न कहे सियाराम राजा सोच कहते ही परमात्मा आज तक कौशलपुर नगर में कोनो खाली हाथ नहीं गए विधाता आज ऋषि मुनि खाली हाथ जाते परमात्मा मार्गदर्शन करो ने रुको मुनिवर रुको मुनिवर धार्य धरण करो कहे सियाराम आप धार्य रखो ऋषिवर आप धार्य रखो कहे सियाराम साधु कथे राजन तो
तो सुन राजन, वचन ल पूरा करना है तो लो राजन ये हाथ में आरा लो। ये आरा में आपके पुत्र रानी राजा पुत्र ल दो भाग करके शेर के भूखा तृष्णा ल मिटा दो और दूसरा भाग ल सब्जी बना के हम दोनों साधु ल खिला दो। मगर बात ध्यान में रखना राजन, अगर पुत्र ल दो भाग करते ही समय रानी या राजा के नैन से एक बूंद भी आंसू टपक पड़ी ओ मांसला शेर नहीं खाए राजन। बात ध्यान में रखना कहे सियाराम। आज दाई राजा हाथ में आरा लेते रामा अब यारा लेकर के ऋषि मुनि के प्रणाम करते दाई ऋषि मुनि के थे जाओ राजन आपके मनोकामना सफल हो कहे सियाराम। आज राजा है तो आरा लेकर के रानी के महल की ओर जाते दाई वही समय के बेरा में कहे सियाराम। रानी कैसे बताओ राम राम रानिल कैसे समझाओ राम मैं वचन वधाऊं राम रानिल कैसे समझाऊं हो राम राजा ते मुले आदेश दे स्वामी में खाना बनावत ऋषि मुनि के लिए स्वामी ते ऋषि मुनि के सुंदर सेवा बजावत रे राजा राम। आज ते हाथ में यारा पकड़े स्वामी राम तुर आंखों में आंसू की धारा बहावत राजा राम। मैं अंटी धर के साथ भावर आपके सुख दुख में काम आऊं क्या मालिक राम तुर नैन में आंसू की धारा बहावत का बात स्वामी ये चरण के दासी ल बता दे राजा ये चरण के दासी ल के शरम जय शरम रजकथ रानी मैं तुल कैसे जबाऊं बताऊं रानी राम ये जबान बर कड़वा है रानी। हाँ रानी ते सुनना चाहत अस रानी राम ये जबान बर कड़वा है रानी राम ये शब्द निकली रानी तीर के समान छाते ला तुरा सुने के इच्छा है रानी तो सुन रानी सुन कह सियाराम। रानी ते जाना तस रानी हमर राजमहल में दूरी सी आए जाना तस रानी राम साथ में शेर आए रानी राम। रानी आज मैं ऋषि मुनि गल गंगा जल की वचन अवध दो रानी राम। रानी बेटा ताम्र ध्वज दो भाग बना के से बेटा ताम्र ध्वज मेरी आंखों के तारा बेटा मन प्राण के अदारा के उठो राने सबर करो राने उठो राने सबर करो राने सबर करो राने कहे सियाराम। रानी कहते स्वामी ते कैसे पिता है तो राजा आज मोर बेटा लदान में देखे आज मोर पास में आए जोड़ी राम मोर गोदी में सुना कर दे राजा मोर गोदी सुना हो गे माने
बेटा के बिना नहीं जी सको मालिक बेटा के बिना नहीं सको के सियाराम तू मेरे मंदिर हो राजा तू ही भगवान हो तू ही मेरे देवता राजा तू ही भगवान भगवान हो जोली पहला के मालिक बेटल माग पीट पीट के दंड फुकार की दोनों रुवत ही कैसे राम वही समय ताम्र दशंग की साथी ले खेल गया थे मावो मावो पिताजी माँ पिताजी माँ हाय मुरलाला हाय मुरलाला कैसे राम ताम्र दशंग माँ आज माता और पिता एक जगह बैठ के दोनों के नैन में आंसू की धारा है माँ का हमर राज में ऐसे तुला समस्या आगे मैया राम का हमर राज में तुला अंठी देखैया आगे मैया अगर कोई अंठी देखे तो अंठी ला मैं दू माँ कोई लाल आंख देखे सोई माँ बत्ता माँ अगर आंख ला मैं दू माँ बता माँ का करण नैन की आंसू की धारा है कैसे राम रानी राजा कहते बेटा ये मैं का करो दोष नहीं है लाला ये मैं तो हमर कर्म के दोष है बेटा हमर किस्मत के दोष है लाला हमर कर्म के कैसे राम पिताजी वचन वध है लाला हमर घर अंगना में दोरी सी आए साथ में शेर है बेटा राम बेटा आज तोर पिताजी गंगा जल की वचन हारे है लाला राम बेटा एक जन हमारी आंखों के तारा यस प्राण की धारा यस कलेजा की टुकड़ा यस बेटा राम बेटा तुला दो भाग से करके सर लगे लाला लाला ये कार्य नहीं हो सके लाला ये कार्य नहीं हो सके बेटा ये कार्य कैसे राम माँ ते कैसे बता था सदाई आज राजा मोरे धज दानी राजा दानी दानी कहत नाम लागे मैया राम
आज पुत्र के परी अवथ पुत्र मुंह में दुलब बांध थे मैया राम दाई। ये माटी के तन जह मैया, ये धरती में माटी के तन, माटी में जाके मिल जाही मैया राम। कुछ काम नहीं आए दाई, कुछ काम नहीं आए माँ, धन्य है मोर भाग मैया राम। जो कि ये माटी के तना भूखा के पेट में जाके ओकर तृष्णा बुझाते माँ, ऐसन मौका ऐसन समय मुला नहीं मिले मैया। धन्य है मोर भाग, धन्य है मोर तकदीर मैया राम। ये माटी के तना भूखा के पेट में जाके ओकर तृष्णा मिटाते माँ, ऐसन अवसर नहीं मिली मैया राम। मैया मोर प्रण हेदाये ते मुला दो भाग बना के मैया राम, शेर खिला दे दाई शेर खिला दे, यही मोर प्रण है कहे सिया राम। रानी राजा कहते बेटा तोरे कंचन कायल ललरा, सुन पुत्री असने समरायो राम। हालला तोरे कंचन कायल ललरा, सुन पुत्री असने समरायो राम। तोरे कंचन ये माटी तन के ठिकाना नहीं है माँ, ते मोला दो भाग बना के मैया राम। हाँ मैया राम, ते मोला दो भाग बना के दाई राम, तय शेर लखिला दे मोला दो भाग बना के दाई राम, तय शेर लखिला दे। आयुष्मान भवा अखंड सौभाग्य के बद्दी भवा, जाओ राजन आपके मनोकामना सफल हो कहे सिया राम। आज राजा मोर ध्वज रानी पिंगलावती रहे तो कहे सिया राम। आज ऋषि मुनि से प्रणाम करके दाई सुंदर बेटा ताम्रा ध्वजला सुंदर ऊंचे आसन में बैठार थे मोर महतारी राम। आज बेटा ताम्र ध्वजला रानी राजा है तो न छाती ला पथरा बना है कहे सिया राम। ऐसे कौन वीर है दाई जो कि बेटा लयारा में सिर के दान देवत है देखो कहे सिया राम। आज राजा मोर ध्वज रानी पिंगलावती रामा, आज छाती ला पथरा बना है आँख ला रेगिस्तान बना है दाई राम। आज बेटा ताम्र ध्वज ला गंगा स्नान करावत है कहे सिया राम। आज वही समय के डेरा में रानी राजा है हाथ में आरा ल पकड़ थे कहे सिया राम। आज रानी राजा है तो हाथ में यार ल पकड़ थे परमात्मा ला याद करते कन्हैया परमात्मा। आज बेटा के मूड में अरल चलावत हो मालिक, बेटा के मूड में अरल कहे सिया राम। कैसे चलावा अरा कन्हैया राम, कैसे चलावा अरा
परमात्मा यही हाथ में बेटर नहवाए खोराए नन्हे के पड़े करे परमात्मा राम यही हाथ बेटल खाना खवाए अंठी धर के रेंगने सिखाए परमात्मा राम यही हाथ बेटल सुंदर मजे की अनेक प्रकार के दिखाए रस्ते दिखाए पढ़ाए खवाए कपड़ा पहनाए तेल फूल चुपराए सिया राम आज यही हाथ आराधर थी परमात्मा राम ये आराधर के पहले दोनों हाथ कावर विश्व मालिक ऐसन समय देखे के पहले दोनों मालिक बेटा के मुंह में आ रहा चलावत हूँ परमात्मा कैसे चलावा आरा कन्हैया राम कैसे चलावा आरा लेकर की शेर के भूखा तृष्णा लकहे शराम राजा मोर दजे के भाग लेकर की शेर के सामने में रखते शेर है तो अंतहार मारा चलाए राम दहाड़ मार मार के पर भोजन करत हवे कहे शराम दूसरा भागला राजा मोर दजे उठा करके कहे शराम सुंदर सही खोले की ओर प्रस्थान करते कहे सियाराम आज ताई राजा मोर ध्वज है तुम शेर लखाना खिला है दूसरा भागला रसोई खोले में रखे है कहे सियाराम आज राजा मोर ध्वज के थे मुनिवार आप मन गंगा स्नान करके आ जाओ ऋषिवर जब तक खाना है तुम तैयार हो जाही कहे सियाराम साधु महात्मा कहते बहुत अच्छा राजा है हम गंगा स्नान करके तुरंत आ जाते हैं कहे सियाराम आज ऋषि मुनि है तो गंगा स्नान की ओर प्रस्थान करते कहे सियाराम लहर लहर लहराए हो रामा औ महानदी कर पाए हो राम औ सब लग जब सुहाए मोर भैया राम तुलसीदास के वाणी हो राम लहर लहर लहर
धराए हो रामा और महानंदी कर पानी हो रा सभी लग जब सुहाए मोर दीदीरा तुलसीदास के वारी हो रा रास्ता जो थे लोटा में जल लेके गए शियाराम रानी राजा कथे मुनिवर लो मुनिवर हे गंगा जल लो मुनिवर मुंह कान धो के हाथ गुड़ धो के खाना खाए पर आसन में विराजमान हो कहे शियाराम बहुत अच्छा राजन बहुत अच्छा माते कहे शियाराम आज जाई राज माता हे ऋषि मुनि हे तुम सुंदर मजे के आसन में विराजमान होते कहे सियाराम सीताराम श्यावरी राम सियाराम अरुण साहू की तरफ से परमात्मा के चरण कमल 20 रुपए के सप्रेम बैठो है कहे सियाराम जैसे भैया दान करे भगवान दोर सदा कल्याण करे कहे सियाराम और सीताराम श्यावरी राम आज दाई हो राज माता हे तुम सुंदर खानी ला खाना ला पोरसा थे तीन लोटा जल दे तीन थाली सुंदर खाना ला कैसे पोरसा थे कहे सियाराम आज माज राज माता है तुम जैसे खाना ला परोसते वही समय के बेरा में कहे सियाराम मुनिवर लो मुनिवर अब प्रसाद ग्रहण करो कहे सियाराम साधु महात्मा गद्दी माते एक लोटा जल एक थाली खाना और लान के रख दे माँ और लान के रख दे कहे सियाराम राज माता गद्दी मुनिवर आप मन कैसे बता तो ऋषिवर दो ऋषि मुनि एक मुरपति परमेश्वर ही मैं तीन लोटा जल दे हूं तीन थाली खाना आप मल्लपुर से हो मुनिवर आप मन कैसे बता तो मुनिवर आप मन कैसे गुठिया थो कहे सियाराम साधु कथे माते एक लोटा जल एक थाली खाना और लान दे ये हम साधु के आदेश है कहे सियाराम राज माता कथे जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर कहे सियाराम आज राज माता है दाई सुंदर चिरुदेव चौथा लोटा जल चौथा खानी सुंदर पुर से हवे कहे सियाराम आज जैसे पोरसते वही समय कथे राज माता मुनिवर अब प्रसाद ग्रहण करो ऋषिवर प्रसाद ग्रहण करो कहे सियाराम साधु महात्मा कथे माते तोर बेटा के नाम लेके पुकार ले तोर बेटा के नाम लेके पुकार ले कहे सियाराम राज माता कहते मुनिवर आप बन कैसे बता थे ऋषिवर आप बन कैसे गुटिया तो मुनिवर आप मन के सामने मोरे बेटा ला दो भाग बना के आपके शेर के भूखा तृष्णा ला मिटाओ दूसरा भाग ला सब्जी बना के आप दोनों ऋषि मुनि ला पुरसी हो मैं कौन जबान कौन शब्द से बेटा ला पुकारा हूँ मुनिवर कौन जबान कौन शब्द से बेटा ला पुकारा हूँ कहे सियाराम साधु कहते माते आपके बेटा के नाम लेके तो पुकार के देख तोरे बेटा के नाम लेके तो पुकार के देख कहे सियाराम राज माता कथे हे विधाता ये तोर कैसे लीला है परमात्मा ये तोर कैसे लीला है हरि ये तोर कैसे महिमा है कहे सियाराम आज राज माता मन में सोचते हे विधाता हे परमात्मा दुखी के हरैया बेटा ताम्रा कहाँ हो बे लाला कोनो कारा हो बे दुखी के हरैया
सामने में चरण में पड़ते हैं मुनिवर, आप मन कौन सा चीजो मुनिवर, आप मन कौन सा देव मुनिवर, आपन प्रकट हो जाओ मुनिवर, और अंधेरा में मत रखो मुनिवर, और अंधेरा में मत रखो कहे सियाराम। आज दाई वही समय के बेरा में कहे सियाराम। आज दाई शेर के रूप में आरी से महातारी वो यमराज है तुम गदा लेकर के प्रकट होते कहे सियाराम। आज दाई महारथी अर्जुन है तुम गांडू धनुष लेकर के आज प्रकट हो है कहे सियाराम। आज भेगवा भगवान कृष्ण कन्हैया है तुम मुरली मनोहर मुरली लेकर के प्रकट होते कहे सियाराम। भगवान कटे उठो राजन, उठो राजन आपके भाव भक्ति में अति प्रसन्न हो, वर मांगो राजन वर मांगो कहे सियाराम। राजा कहते हे परमात्मा, ऐसन कठिन से कठिन परीक्षा लेके का कारण है परमात्मा, आज युग में ऐसन कठिन परीक्षा ले विधाता, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करत हूँ परमात्मा, ऐसन कलयुग में परीक्षा मत ले बे हरे, ऐसन कलयुग में परीक्षा मत ले बे विधाता कहे सियाराम। और ये कठिन परीक्षा लेके का तत्पर्य है परमात्मा, ये कर उपदेश ला बता दे मालिक कहे सियाराम। भगवान कन्हैया कथे राजा मुरदत, ये महारथी अर्जुन सखा है ना, बोला मोर भक्त के प्रति में विश्वास मेरी से जेकर कारण में कहे सियाराम। विश्वास दिलाए बर परीक्षा ले पड़े से राजन, लेकिन आज मैं परीक्षा ले हो राजन, वो परीक्षा तो हर व्यर्थ नहीं जाए राजन, कलयुग में कलयुग के मानव है तो राजा मोर ध्वज के नाम से लीला कहानी गंथली नाटक कर ही तोर साथ में मोर नाम यही राजन, कलयुग के मानव ही एक कथा प्रसंग ल करके ये भगमोर नाम ला लेके अपने जीव के उद्धार कर ली राजन, यही उपदेश कहे सियाराम। हाँ राजन जाओ राजन, उत बुलत राज चलाओ राजन, प्रजा के हित के कार्य करो राजन,
प्रजा के हित के कार्य करो राजन, सत्य ही विजय है राजन, सत्य ही विजय है कहे श्याराम। आज जाई सत्य ही विजय कहते हुए परमात्मा है तो तीनों के तीनों अंतर ध्यान होते कहे श्याराम। काचरे फूल बरसत है जाई चारों मुड़ा जय जयकार होते राजा मुरत धज की जय हो, राजा मुरत धानी की जय हो कहे श्याराम। बेटा ताम्र धज की जय हो, रानी बिगलावती की जय हो, जय जयकार कौशलपुर में गुंजत है, आकाश में गुंजत है कहे श्याराम। आज वही समय के बेरा में मोर दाई हो टूटी फूटी शब्द तोत्री भाषा में राजा मोर ध्वज के प्रसंग दिखाए के प्रयास करे हवन कहे श्याराम। ये कर पश्चात में मोर महातारी हो आपसे एक गाना के बाद में सादर विदाई ले ले वो कहे श्याराम। और जोन भी कथा प्रसंग में टूटी हो दाइयों में छोटे से अपन लड़का जान के क्षमा करो कहे श्याराम। और सीताराम सियावर राम, और सीताराम सियावर राम, कौन मेरा होते ये चंपारण गांव, दीदी पूछा दिया हो राम। हाँ मुर्दाई मुर भैया हो, ये चंपारण भगवान भोलेनाथ के एक विशेष रास्ता है, काहे हमर चंपारण भगवान भोलेनाथ महादेव संग में माता पार्वती और संग में गजानन स्वामी तीन मूर्ति एक साथ विराजमान ही मुर्दाई हो। उकर साइड बाजू में भगवान महाप्रभु साक्षात प्रकट है मोर मातारी हो, ये अवतार पधारे वाला नो है मुर्दाई, भगवान की खुदरत की देन है मुर्दाई हो। तो चलो अवन कौन मेरा हो थे ये चंपारण गांव, दीदी पूछा दिया हो राम। कौन मेरा हो थे ये चंपारण गांव, बहनी पूछा दिया हो राम। राजिन तिरबेणी संगम के तीर में चंपारण है मोरे गांव, राजिन तिरबेणी संगम के तीर।